नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नए प्रस्ताव पर पारा शिक्षकों का चढ़ा पारा। आज करेंगे आंदोलन का ऐलान। राज्य भर के पारा शिक्षकों में आक्रोश। संजय दुबे के इस्तीफे के बाद पारा शिक्षकों में भूचाल। शिक्षा मंत्री ने खुद की थी बिहार मॉडल की घोषणा। नई नियमावली बिहार मॉडल से अलग। नए प्रस्ताव के अनुसार पारा शिक्षक ना होंगे स्थायी, ना मिलेगा वेतनमान। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। राज्य सरकार की ओर से वेतनमान की जगह मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने का प्रारूप देने पर पारा शिक्षकों का पारा चढ़ गया है। इसके खिलाफ राज्य भर के पारा शिक्षकों में आक्रोश है। पारा शिक्षकों का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है सरकार के नए प्रस्ताव के खिलाफ। रविवार को सभी जिलों में पारा शिक्षकों की बैठक हुई। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का कहना है कि वेतनमान की लड़ाई जारी रहेगी। मोर्चा का कहना है कि पारा शिक्षकों के लिए सेवा स्तर नियमावली वेतनमान के लिए बनाई जा रही थी, ना कि मानदेय में बढ़ोतरी के लिए। पारा शिक्षकों के मानदेय में हर साल 10% की बढ़ोतरी पूर्व का ही फैसला है। ऐसे में करीब 3 साल का मानदेय बढ़ोतरी नहीं हो सका है, वहीं अब राज्य सरकार करना चाह रही है। मंत्री के अलावा राज्य सरकार की कमेटियों ने भी 5,200 से 20,200 के वेतनमान दिए जाने की अनुशंसा की थी। जो फंसा था वह आकलन परीक्षा या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा का था। इस फैसले से सरकार ने न सिर्फ एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के अष्टमंडल कमेटी को बल्कि 64,000 पारा शिक्षकों को छला है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। सरकार के नीति निर्धारण से क्षुब्ध पारा शिक्षकों में आक्रोश उबल रहा है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि एकीकृत पारा शिक्षक संघ के सर्वमान्य प्रदेश अध्यक्ष संजय दुबे, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से पारा शिक्षकों के हित में आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचाया। पारा शिक्षकों के लिए संजय दुबे न केवल प्रेरणा के स्रोत हैं, बल्कि संजय दुबे ने सभी पारा शिक्षकों को अपने प्यार और स्नेह से जोड़कर रखने का काम किया है। उन्होंने जैसे ही कल इस्तीफा दिया, पारा शिक्षक सदमे में हैं। हजारों पारा शिक्षक ने उनसे दूर संचार में बात कर उन्हें इस पद में रहने की अपील की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।